यदि आप वाकई विधायक बनने की सोच रहे हैं विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये रणनीति श्योर शॉट आपको विधायक बना सकती है आप एमएलए बन सकते हैं आप चुनाव जीत सकते हैं और सिस्टमैटिक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं सबसे पहला स्टेप क्या करना है सबसे पहले तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए आप एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो आचार्य चाणक्य ने भी कहा और जो मैं भी बार बार कहता हूं राजनीति और युद्ध में कोई अंतर नहीं है जब आप राजनीति करने जा रहे हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं यकीन मानिए आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं राजनीति और युद्ध में केवल इतना सा अंतर है रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है यानी सिर्फ खून नहीं बहेगा बाकी सब होगा हो युद्ध वाला रणनीतियां होंगी हथियार होंगे सेना होगी अलग अलग होगी अलग अलग तरह के लोग होंगे उन्हें अलग अलग तरह से अपने फेवर में लाना होगा सामने वाले की लहर को तोड़ना होगा अपनी लहर को बनाना होगा अपनी टीम को तैयार करना होगा युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा ढुलमुल रवैये से काम नहीं होने वाला है अपने आप को जाने बिना काम नहीं होने वाला है अपने आप को झोंकना पड़ेगा और यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो मैं आप बताता हूं कैसे आप ये युद्ध जीत पाएंगे कैसे आप विधायक बन पाएंगे कैसे आप चुनाव जीतेंगे सबसे पहला काम कर लिया मेंटली प्रिपेयर हो गए आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं दूसरा युद्ध के नियम नियम क्या है युद्ध का केवल एक ही नियम है युद्ध को जीतना साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े करिए और अगर आप बहुत सच्चे हैं बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो कोई डॉक्टर ने नहीं कहा भाई राजनीति करो कोई डॉक्टर ने नहीं आकर कह दिया कि आप एमएलए बनो सामने वाला तो करेगा आप ना भी करो तो, तो फिर आपको उसकी रणनीति के काट तो करने पड़ेंगे ना तो पहले अपने आप को जानना और फिर उन रणनीतियों को जानना जिन रणनीतियों के आधार पर आप उसकी काट कर पाए और अपनी अपनी स्ट्रेंथ को जानना आपकी स्ट्रेंथ क्या है आप किस पर बैटिंग करना चाहते हैं किस पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं सामने वाले की कमियों पर या अपनी स्ट्रेंथ पर और अगर आप कहते हैं दोनों पर तो दोनों के लिए भी पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानना पड़ेगा और सबसे पहली चीज क्या जाननी पड़ेगी आर यू ए पोलिटिकल मेटीरियल क्या पॉलिटिकल मेटीरियल है भी कि नहीं है क्या आपके अंदर वो गुण हैं जो एक सफल राजनेता में होते हैं कि नहीं होते हैं अगर वो गुण हैं तो उन्हें निखारना कैसे बढ़ाना कैसे है और यदि वो गुण नहीं है तो वो गुण डालने कैसे अच्छा आप में नहीं है कोई बात नहीं है आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए आपको पता होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए नौ अलग अलग टीमें चाहिए और नौ की नौ टीमों में अलग अलग तरह के अलग अलग गुणों के लोग होने चाहिए तो वो नौ टीमें कौन सी होंगी वो आपकी कौनसोसी पर डिपेंड करेगा आपकी कौनसोंसी की परिस्थितियां कैसी है वहां पर जाति का चुनाव होने वाला है धर्म के आधार पर चुनाव होने वाला है किसी क्षेत्रवाद का चुनाव होने वाला है बाहरी और लोकल का चुनाव होता है या किसी और खास मुद्दे पर चुनाव होने वाला है उस आधार पर तय होगा कि वो नौ टीमें कौन सी है मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं जर्नली बात कर ले तो सबसे पहले आपकी एक को टीम होनी चाहिए अब कोर टीम में कौन से लोग रखने हैं किस तरह के लोग रखने हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए वो आपको जानना पड़ेगा अच्छा आप कोर टीम बनाने में समर्थ हैं कि नहीं हैं अपनी क्षमता को भी जानना पड़ेगा कई बार हमारी गलती होती है और हम दोस्त दूसरे को दे रहे हैं हमें टीम बनानी नहीं आती होती और हमें पता भी नहीं है कोर टीम कहाँ से बनेगी कोर टीम में कौन लोग होने चाहिए अच्छा अपने लोग हैं अपने साथ भी हैं लेकिन वो कोर टीम के मेंबर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे परिवार के लोगों को रख लिया तो क्या होगा क्या फायदा क्या नुकसान होगा अपनी उम्र से ज्यादा के लोगों को रख लिया तो क्या होगा अगर अपने से कम उम्र के लोगों को रखा तो क्या होगा वो फाइनेंशियली मजबूत हुए तो क्या होगा मजबूत नहीं हुए तो क्या होगा आप फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं आप कितना खर्चा करने वाले कहाँ खर्चा करने वाले लोग खर्चा करते हैं चुनाव में सबको मालूम है जिन लोगों ने चुनाव नहीं भी लड़ा उनको भी मालूम है पैसा खर्च होता है लेकिन पैसा कहाँ खर्च करना है लोग होर्डिंग पर 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 बैनर फालतू की चीजों खर्चा खर्चा कर देते हैं और जहां एक्चुअल में खर्चा करना चाहिए वहां खर्चा बचा लेते हैं मैंने अपने 18 वर्ष के राजनीतिक करियर में बहुत सारे लोगों को चुनाव हारते हुए देखा और हारने का बड़ा कारण यह रहा कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि उनके संसाधन उनका पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए कहा नहीं होना चाहिए

कहो कहते नहीं साहब मेरे को मालूम है मेरे विरोधी ने तो ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया उसके पास तो ज्यादा टीमें भी नहीं थी उसने तो लहर भी नहीं बनाई उसने तो शेडो कैंपेनिंग भी नहीं किया उसने तो लहर भी नहीं बनाई वे बिल्डिंग नहीं करा उसने ग्राउंड पर कोई काम नहीं करा वो तो जीत गया आपको लग रहा है जीत गया उसने कुछ तो ऐसा किया है जो आपने नहीं किया और आपको वहीं तक का रास्ता पता है जहां तक आप पहुंचे वो रास्ते नहीं पता जो नहीं पहुंचे जहां खर्चा किया कैसे किया कब किया कितने दिन पहले टीम बनाई कितने दिन पहले प्रचार करना शुरू किया प्रचार की रणनीति क्या रही एक खुला प्रचार होता है एक छुपा प्रचार होता है खुला प्रचार आपने देख लिया छुपा प्रचार देखा ही नहीं वो छुपा प्रचार कर रहा था कैसे कर रहा था आपको मालूम ही नहीं है क्योंकि आपको छुपा प्रचार नहीं पता तो आपको वो जानना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ जाननी सामने वाले की स्ट्रेंथ जाननी अगर आप वाकई अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं वाकई इस युद्ध को जीतना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर जितनी मेहनत करनी है जितना उन्हें जानना है है उतनी ही मेहनत अपने विरोधी की स्ट्रेंथ पर करनी है, उसे जानना है। एक अच्छा अच्छा विरोधी वो बनेगा वो अपने विरोधी को हरा पाएगा जो अपने विरोधी की स्ट्रेंथ का पता हो जानता हो और उसकी कमियों के बारे में पता हो अक्सर क्या करते हैं हम लोग कमियों के बारे में तो पता कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में बात ही नहीं करते और स्ट्रेंथ से जब उसे काटेंगे तब तब शायद आप जीत पाएंगे चुनाव और क्या करना है जब आपने अपनी स्ट्रेंथ पता कर ली अपने संसाधनों की लिस्ट बना ली अब आपके पास सारी चीजें हो गई अब आपने टीम तैयार कर ली अब टीमों को काम पर लगाना कौन सी टीम कब काम पर लगेगी सारी टीम एक साथ एक्टिवेट नहीं करनी है आप नौ की नौ टीमें बना भी लो बूथ की टीम बना लो बूथ कमेटियां बना लो आप प्रचार की टीम बना लो, लो, लो सोशल मीडिया टीम बना लो बाकी सारी टीमें बना लो अपनी परिस्थिति के हिसाब से टीमें बना लो टीमें बनाने के बाद भी सारी टीमों को एक साथ एक्टिवेट मत करना वरना टीम कलेप्स कर जाएगी आप टीम को संभाल नहीं पाएंगे तो वो टीम कौन सी पहले एक्टिवेट करनी है जैसे स्विच होते ना पहले एक स्विच ऑन करेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर चुनाव तक आते आते हमारे नौ के नौ स्विच ऑन हो जाने चाहिए लेकिन स्विच तो पहले लगाने पड़ेंगे ना टीम तो पहले बनानी पड़ेगी और जो समस्या आ रही है जो असली बड़ी समस्या आ रही है जैसे मैंने कहा कोई गाइड करने को भी तैयार नहीं है और कई लोग मत मानिएगा शायद से भी कई लोग होंगे लाखों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करने के लिए आग लगाने के लिए तैयार है लेकिन वो पैसा कहां खर्च करना है कहां नहीं खर्च करना है वो जानने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए मेहनत उसके लिए समय उसके लिए संसाधन लगाने के लिए तैयार नहीं है लगाना पड़ेगा मेरे लिए नहीं कह रहा मैं आपके लिए कह रहा हूं आप मुझसे लो सलाह किसी से भी लो जो आपके लिए सही गाइड कर पाए सही आपका रोडमैप बना पाए और आपकी परिस्थितियां देख करके आपकी स्थिति देख करके तभी रोड मैप बनेगा तभी शायद आप सफल हो पाए और मैं बता पाऊंगा मैं या कोई भी एक्सपर्ट जो आपके साथ बैठेगा हमारे कुछ पंद्रह बीस सवाल होते हैं एक क्वेश्चन तैयार किया गया है उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये व्यक्ति उम्मीदवार बनने लायक है कि नहीं है ये विधानसभा लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता लड़ेगा तो जीत सकता है कि जीत नहीं जीत सकता अगर नहीं जीत रहे हैं तो भी अगर लड़ना पड़ जाए तो कम से कम इतनी तो शक्ति हो जाए कि हमारे कारण समीकरण बदल जाए अगर हमारे कारण समीकरण भी नहीं बदल रहे तो हम कहीं ऐसा ना हो जाए राजनीति के शिकार बन जाए कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी छवि जनता के बीच में नॉन सीरियस की बन जाए तो जब चुनाव लड़ रहे हैं ये भी ध्यान रखना है नॉन सीरियस उम्मीदवार मत बन जाना